जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में विशेष संचारी रोग नियंत्रण महादस्तक दो के समन्वय समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन ने कहा कि 2 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण महा एवं 16 जुलाई से 30 जुलाई तक दस्तक दो का आयोजन होगा, जिसकी 100% सफलता सुनिश्चित करने हेतु माइक्रो प्लान के प्रति 3 जुलाई तक हर हाल में संबंधित अधिकारी CMO को उपलब्ध करा दें तथा माइक्रो प्लान को 100% अनुपालन सुनिश्चित हो तथा निर्धारित प्रोफार्मा में इसे तैयार किया जाए। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने DPRO को निर्देश दिए कि अगस्त माह में पूरे जनपद को ODF कराना है, इसके लिए समय से कार्य संपन्न कराया जाए। इसके साथ ही 110 मलिन बस्तियों को भी ODF किया जाना है। जिलाधिकारी ने JEAS पर नियंत्रण करने हेतु मत्स्य अधिकारी को कड़े निर्देश दिए हैं कि इंसेफेलाइटिस प्रभावित गांवों की सूची के अनुसार सभी 144 तालाबों एवं जल जमाव स्थलों में गंबुजिया मछली डाली जाए। उन्होंने इस कार्य में अपेक्षित प्रगति ना पाए जाने पर मत्स्य अधिकारी को फटकार लगाई। इसके साथ ही उन्होंने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया है कि यह सुनिश्चित हो कि सुअर बाड़ा आबादी से दूर हो तथा इसकी सैंपलिंग करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने गांव में फॉगिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने JEAS के लक्षण बचाव की जानकारी जनमानस को हो इसके व्यापक प्रचार प्रसार पर बल दिया तथा कहा कि प्लास्टिक का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। बैठक में CMO डॉक्टर SK तिवारी, मीनू सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इतने हम प्रोजेक्ट बनवाएंगे, इतने हम ODF गांव करेंगे, इतने हमारे हैंडपंप रीमोर होंगे, इतने नए लगेंगे और इतने की प्लेस ठीक कराई जाएगी, वो पूरा ऐसे बनाइएगा। 66,000 वो आपने गांव वाइज बना रखा है कि आज 3-4 गांव में करेंगे फिर पूरा बना, तो वो सर इसमें नहीं ठीक है। हेलो, हाँ बिल्कुल, हाँ सर, नगर निगम को बहुत काम रहता है। 70 प्रॉब्लम रहती है, हर बार की इसके अलावा 5 बड़ी प्रॉब्लम है, तो हर वार्ड में पर डे जो 110 मरीन बस्ती है, तो हम लोग उसको कार्ड ऑफ करते हैं कि हाँ मरीन बस्ती को 110 मरीन बस्ती को कवर होता है। सो और डेली कॉस्ट दवा हम लोग उस पर बढ़ाते हैं, 10 लीटर पानी में 100 ml उनके अलावा उसके और इसके अलावा थोड़ी तबियत यही हैंडपम्प होते हैं रेगुलर होता है, रेगुलर पिक्चर है वो उसको इसमें। और ये LT लेवल स्प्रे वाली मशीन कितनी है? 70 है सर, हर वार्ड की है, हर वार्ड की एक एक है। 230 नाले हैं हमारे, इसमें 11 बड़े नाले हैं, 123 मझोले हैं आगे हमारे छोटे, जो ओवरफ्लो वाली प्रॉब्लम आया था जैसे बाढ़ जो आती है तो 9 तो रेगुलेटर जैसे हमारे तो उसमें सिंचाई विभाग उसको बंद कर देता है, तो रेगुलेटर से पानी लोग रिवर देखते हैं, तो और जो 9 रेगुलेटर से उसको 59 पंप्स बदल गए, उसमें डीजल का तो 8 उसमें भी 83 HP से लेकर के और वही 19 HP तक के 10 HP तक वो हमारे पास पंप है, तो ये 59 वो 21 ये है जो आज छोटी स्टेशन है इसमें 21 पंप्स है, तो ये PO है और इसके अलावा कहीं 19 पंप्स बात है, मोबाइल पंप्स है, 4 ट्रैक्टर पंप है, उसके ट्रैक्टर में 2 पंप लगे हुए हैं, इसके अलावा सब 8 HP से लेकर के 12 HP 18 HP तक के पंप हैं, तो मोबाइल पंप से क्या बनी गई पानी भर जाता वाटर लॉगिंग होती है तो वहाँ पर चला देते हैं। 54 इस पर हम लोग चैन के रूप में गाइड बनाओ, अभी 80 मोबाइल पर हमारे चल रहे हैं शायद ना गैलेक्सी प्लस और डीजी पाउडर हमारे सारे ओवर टैंक्स हैं 300 मिली लाख 200 हमारे ट्यूबे हैं 200 में डीजी पाउडर कि डेट नहीं पड़ी हुई। बहुत बार प्रशिक्षण दिया गया, बहुत बार स्कूलों में भी जैसे सर बताया गया होगा कैसे हाथ धोएं बच्चों को, तो वो
जब जाएं वो घरों में तो भी आशाएं थी और यजन भी। दस्तक अभियान भी यही करना है, 5 से 10 मिनट एक घर में रुकना है। एक दिन में पिछली बार में दस्तक में कितने घर जाती थी आपकी आशाएं, 8-10 घर। तो 5 मिनट के हिसाब से 10 मिनट के हिसाब से उस घर में रुके, सारी बातें बोले बताए। और इसलिए कह रहे हैं जो निष्क्रिय आशाएं हैं, बोल नहीं पाती, झूठ मूठ का सर्टिफिकेट लगा के सिलेक्ट हो गई हैं, 5वां पास भी नहीं है, वो कन्वे नहीं कर पाए। डायलॉग करने की आदत होनी चाहिए उसको, वो कन्वे नहीं कर पाए। उनको सबको निष्क्रिय घोषित करके निकाले, नहीं पढ़ी लिखी को रखे, और वो बताएगी बुखार आने पे क्या करना है, कौन सी जगह ले जाना है, कहाँ कॉल करना है, वो बताएगी। प्लस ये पानी पीने का, हाथ धोने का, साफ सफाई के बारे में 10 मिनट समय दे, अपना पूरे महीने भर घूमते ये कर सकते हैं। इसका जिम्मेदारी किसका, तुम इनको ऊपर डाल रहे हो, तुम्हारे ऊपर डाल रहे हो, तुम्हारी भाई योजना भारी सब नहीं है, मिल जाएगा ले लो। और दूसरे हमारे पास सिर्फ 3 आदमी, कितने आदमी चाहिए इसके लिए? अब यार देखिए यार, बीच का पैकेटिंग करा के देना आपका जिम्मेदारी। हाँ, बीच गाँव वही पहुँचाना तो डीपीआरओ साहब हम लोग हर गाँव पहुँचा देंगे, तो हमारा काम जी। ये तो काम तो आपके ही कराना पड़ेगा ना जी। लेकिन सर वो सर कॉन्सेप्ट ही यही है कि वो गंदे पानी में किसान भाई, यही बात है, इसलिए कम ऑक्सीजन होगी, जो छोटे छोटे पिट्स हैं जहाँ पर बरसात का पानी रुक जाता, मच्छर नहीं अंडा उड़ा तो ठीक है। 144 गांव कब कब किस गांव में जाकर के पहुंचाओगे इतने बताओ हमें, कार्य योजना बना के दू। यार क्या काम किए पिछले बार बकवास काम हुआ, तो 2-3 हुआ बिल्कुल काम नहीं, कागज में भी काम नहीं, ऐसे तो नंबर 1 लापरवाह इनका है। देख रहे थे गांव को सूची तक नहीं है, पहला अभियान कैसे चलाया तो देख रहे होंगे, सबके पास गांव को सूची होना चाहिए था। ये क्या बकवास है यार, बेसिकली कहां किस चीज के लिए आए हैं वो भी नहीं पता। इसमें राष्ट्रीय से कम हो जाए सर, और ये सर इस समय हमारे पास में 595 सुंदर बाड़ा है सर, 595 सर।